रात के समय आकाश का नजारा और उस वक्त होने वाली खगोलीय घटनाएं आश्चर्यजनक और सम्मोहक होती है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमने विशाल महासागरों में दिशा ज्ञान, फसलों को उगाने का समय जानने और कुछ ऐसे सवालों के जवाब जैसे कि हम कहां से आए और यहां कैसे पहुंचे। हमारी इन्हीं जिज्ञासाओं ने मानव जाति के लिए खगोल विज्ञान की शुरुआत की। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी दोनों ही भौतिकी की एक शाखा है, जिसमें भौतिकी में प्रयोग की विभिन्न शाखाओं को सत्यापित किया जा सकता है। ऐसा स्थलीय वातावरण में नहीं हो सकता। रात को आकाश हमें आकर्षित करता है और हमारे मन में ये जिज्ञासा हो जाती है कि हम कैसे पैदा हुए, ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। ये स्वाभाविक प्रश्न है जो हम सभी के मन में उठते हैं। देश का एक प्रमुख शोध संस्थान होने के नाते एरीज अवलोकन खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञ है। संस्थान की विरासत 6 दशक से भी अधिक समय से चली आ रही है। ये संस्थान 1954 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक राज्य वेदशाला के रूप में स्थापित हुआ और इसे स्थापित करने की पहल की थी उस समय के शिक्षा मंत्री और बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर संपूर्णानंद और प्रोफेसर एएन सिंह ने, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे। 1955 में इसे पहाड़ों में साफ आकाश देखने के लिए नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। ये भारत में 4 मीटर क्लास ऑप्टिकल टेलीस्कोप की स्थापना के लिए वेदशाला के तत्कालीन निदेशक और ऑप्टिकल खगोल विज्ञान में सम्मानित खगोलविद वीनू बापू का सपना था। राज्य की यह वेदशाला मामूली सुविधाओं के साथ शुरू हुई थी। 1972 में मनोरा पीक पर 1 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित हुआ था, तब इसका भी विकास होने लगा। 2004 में एरीज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान और वित्त पोषण के अंतर्गत आया। खगोल विज्ञान की लगभग सभी आधुनिक वेदशालाओं का प्रमुख उपकरण टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप प्रकाश को इकट्ठा करने और इमेज को बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करते हैं, ताकि गैलेक्सी की छोटी और काफी धुंधले पिंडों को भी आसानी से देखा जा सके। प्रकाश काफी दूर से आता है, इसलिए बहुत धुंधला हो जाता है। जब आप इसकी तुलना अपने आसपास दिखने वाले किसी भी स्थलीय प्रकाश से करते हैं, जैसे कि लैंप या हेडलाइट, इस प्रकाश में प्रति सेकंड सिर्फ कुछ ही फोटॉन होते हैं और इसलिए इसे फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफिंग कैमरा कहा जाता है। जो प्रकाश बहुत दूर आकाशीय पिंडों से आ रहे हैं, उसके हर रंग का विश्लेषण करने की जरूरत है, इसलिए हमें कुछ रंगों के बजाय हजारों रंगों को देखने की जरूरत है। अधिकांश वेदशालाएं पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद अवशोषण और दृश्य बाधिता को कम करने तथा अवलोकनों की सटीकता को बनाए रखने के लिए विभिन्न अपर्चर वाले टेलीस्कोप से अवलोकन करती है। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ऐसी समस्याएं नहीं आती, इसलिए एरीज भी ऐसे ही अनुकूल स्थान पर स्थापित की गई है। एरीज में वायुमंडलीय विज्ञान प्रभाग वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान करता है। यहाँ अनुसंधान मुख्य रूप से वायुमंडल के निचले हिस्से पर केंद्रित है। ये प्रभाग गैसों की खोजबीन के अवलोकन में माहिर है, जिसमें ओजोन और ग्रीन हाउस गैसों, एरोसोल और मौसम विज्ञान आदि शामिल है। जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये एसटी राडार है। ये वायुमंडलीय विज्ञान की प्रमुख सुविधा है। ये नीचे स्ट्रेटोस्फीयर तक 3D हवाई क्षेत्र को मापने में सक्षम है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर टॉपोस्फीयर राडार है। ये सुविधा इस मायने में अनूठी है कि ये इमारत के ऊपर स्थित है और 206.5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति का काम कर रही है। ऐसी कोशिश दुनिया में कहीं नहीं की गई। एरीज के वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप पर लगाने के लिए चार्ज कपल डिवाइस या CCD इमेजर और फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफिक कैमरा और FOSC तैयार किया है, जो हमें बहुत अधिक स्पष्ट इमेज उपलब्ध कराते हैं। ये पहला FOSC है जिसे एरीज में ही डिजाइन और असेंबल किया गया है। 4K CD इमेजर एक इमेजिंग डिवाइस है, जिसे 3.6 मीटर वाले फोकल प्लेन पर लगाया जाएगा। ये यही विकसित किया हुआ उपकरण है जो ब्रॉडबैंड इमेजिंग करेगा। एरीज में दो प्रकार की अवलोकन सुविधाएं उपलब्ध है, जो कि सौर्य और तारकीय अवलोकन है।
सौर अवलोकनों के लिए एरीज मनोरा पीक पर 15 सेंटीमीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप संचालित करता है। सौर विस्फोट की नियमित घटनाओं जैसे सौर फ्लेयर्स, फिलामेंट्स और सर्ज आदि का नियमित रूप से वैज्ञानिकों द्वारा अवलोकन किया जाता है। 2010 में एरीज के वैज्ञानिकों ने मनोरा पीक से 60 किलोमीटर दूर जिस जगह पर जाने का फैसला किया वो था देवस्थल। यहाँ एरीज ने अपना पहला 1.3 मीटर मॉडर्न ऑप्टिकल टेलीस्कोप स्थापित और परिचालित किया। इस प्रकार देवस्थल पर 10 साल की कोशिशों के बाद 2015 के मध्य में भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप या डॉट टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। जब टेलीस्कोप एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आता है तो ये एकदम स्पष्ट इमेज पाने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर को ऑनलाइन संरेखित कर सकता है। इसके अलावा बेल्जियम और कनाडा के साथ वैज्ञानिक सहयोग में एक 4 मीटर अपर्चर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल पर जल्द ही संचालित होने की उम्मीद है। ऑप्टिकल अवलोकन की शुरुआत से ही एरीज लगातार खगोलीय अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान दे रहा है, विशेषकर महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के समय अवलोकन करके। उदाहरण के लिए देश में गामा रे विस्फोट के ऑप्टिकल आफ्टरग्लो का निरीक्षण करने का पहला सफल प्रयास एरीज में किया गया। शैक्षिक स्तर पर एरीज कुशल मानव संसाधन विकसित करने के लिए छात्रों को PhD और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। समय समय पर सार्वजनिक पहुंच वाले कार्यक्रम में संस्थान द्वारा विभिन्न कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वेदशाला रात में आकाश दर्शन के लिए सार्वजनिक रूप से खुला है। दर्शनार्थी स्लाइड शो में शामिल होकर आकाशीय पिंडों का वर्णन करने वाली गैलरी भी देख सकते हैं। एरीज एक सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है। हम इस संस्थान को एक बहुत बड़ी गतिविधि और सामाजिक वैज्ञानिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। भविष्य में एरीज का उद्देश्य अपनी सभी सुविधाओं और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मूलभूत सुविधाओं व अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बीच एक मजबूत तालमेल स्थापित करना है, जिसका मकसद खगोल भौतिकी नजरिए से खगोलीय घटनाओं की जाँच करना है। एरीज लगातार अपनी मौजूदा सुविधाओं के रखरखाव तथा उन्हें आधुनिक बनाने में जुटा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर खगोल विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में काम कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में। प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है, हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिसे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने खुद को खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया है, जो आज बाहरी अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने की एक निरंतर यात्रा पर है।